उसके बाद उन्होंने 200 या 400 मीटर के दौड़ में वो अपना नाम रोशन किया। 1956 में मेलबोर्न के ओलंपिक खेलों में 200 या 400 मीटर के में नाम रोशन किया। उसके बाद उन्होंने 1958 में कटक के आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 या 400 मीटर के प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी वो उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए। 1958 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए। वह उस टाइम स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल खाली को पाकिस्तान में ही पछाड़ा था, यानी पाकिस्तान अब्दुल खाली को हरा दिया था, जिसके बाद अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजा था। उनको 1 जुलाई 2012 को भारत का सबसे सफल धावक माना गया जिन्होंने ओलंपिक खेलों में